नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की NDA की सरकार गिरने के बाद अब नई सरकार का गठन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर फिर से RJD के साथ आ गए हैं। नीतीश कुमार आज फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी डिप्टी CM के तौर पर शपथ लेंगे। अनुमान जताया जा रहा है कि भाजपा कोटे का सारा विभाग राजद और कांग्रेस के खाते में जा सकता है। आपको बता दें कि कल यानी मंगलवार को नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। दोपहर 2 बजे नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं RJD नेता तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी CM पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ ही डील तय की है, जिसके तहत नीतीश कुमार केवल 8 से 10 महीने के लिए ही बिहार के CM रहेंगे। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में वे विपक्ष के PM पद के उम्मीदवार होंगे। कहा जा रहा है कि 35 विधायकों का एक मजबूत मंत्रिमंडल बनाने की तैयारी है। जेडीयू और RJD कोटे से 14-14 मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं 7 मंत्री अन्य पार्टियों से होंगे। कुल 7 पार्टियां इस महागठबंधन में शामिल होंगी। वहीं लेफ्ट पार्टी सरकार को बिहार से सपोर्ट कर रही है। नीतीश कुमार ने दावा किया है कि कुल 7 पार्टियों और एक निर्दलीय विधायक ने उन समर्थन दिया है। उनके पास कुल 165 विधायकों का समर्थन हासिल है। बीजेपी ने अपना एक बड़ा सहयोगी खो दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू और गठबंधन टूटना बीजेपी के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है। बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने की रणनीति बना रही है। अब बीजेपी को इस लंबे समय के लिए नया प्लान तैयार करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से RJD और बाकी अन्य विपक्षी पार्टियों पर अपनी भ्रष्टाचार विरोधी नीति का दावा खेल सकती है।